ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, भैया हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आ गया है, हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा माता अशोक सुंदरी का ये चार उपाय, जो कि पहला होगा आपकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए, दूसरा उपाय आपकी मनोकामना, आपके विशेष को पूरा करने के लिए, तीसरा हस्बैंड और वाइफ या फिर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं उसके लिए, और चौथा उपाय धन संपदा के लिए। इनमें से जो भी आपकी ज़रूरतें होंगी ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय को करिएगा, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयर ऐसी वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है समझेंगे, सबसे पहले एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि माता अशोक सुंदरी का उपाय है, वो है बीमारी के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा लोग आज के टाइम पे, मैं बहुत बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ कि हर एक घर में बीमारी पहुँच चुकी है, किसी घर में छोटी है तो किसी घर में बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, लेकिन बीमारी है ज़रूर। देखो क्या करना है, एक नियम समझेंगे, माता अशोक सुंदरी का ये उपाय है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बेलपत्र दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा, कितना, मात्र एक बेलपत्र। अब इस एक बेलपत्र के साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से एक लोटा जल, जो कि इस जल मतलब इस कलश में जल आपको भरना होगा अपने घर से, ठीक है। लेकिन लोटा लेना तांबे का ही, और कोई कलश मत लेना, ठीक है। इन दोनों चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ठीक है। पहुंच गए, जो नियम बताऊंगा उन नियम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा तरीका है इस उपाय को करने का। देखो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, माता अशोक सुंदरी का स्थान। जो एक बेलपत्र आप अपने साथ लेके गए हैं, उस एक बेलपत्र को पहले ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। डंडी किधर होगी, जलाधारी की तरफ, पति का भाग होगा महादेव की तरफ, कुछ इस तरीके से समर्पित करना। अब जो आपके हाथ में एक लोटा जल है ना, उस एक लोटे जल में से सात बार, कितनी बार, सेवन टाइम्स, पूरा जल नहीं समर्पित करना कि सातों बार चढ़ाते चढ़ाते खत्म कर दे, नहीं, थोड़ा थोड़ा जल उसी कलश में से सात बार समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया, उसी कलश में से सात बार समर्पित करना है, बार बार जल आपको लेना नहीं है, ठीक है। समर्पित किया, थोड़ा सा जल अपने कलश में बचा लेना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जल बचा लेना। जितना जल आपके कलश में बचा हुआ है, उस बचे हुए जल को भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, और उसी जल में से तीन बार समर्पित करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। किसका नाम लेना होगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। थोड़ा सा एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट उपाय है। जो एक लोटा जल आप अपने घर से लेके गए हैं महादेव के मंदिर में, जिस जगह पे बेलपत्र समर्पित किया है, उस कलश में से सात बार जल समर्पित करेंगे, सात लोटा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसी कलश में से सात बार जल समर्पित करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। समर्पित कर दिया, उसी कलश को में थोड़ा सा जल बचा लेना, जितना जल बचा हुआ है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तीन बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसी कलश से समर्पित कर देना। जो भी आपके घर पर बीमारियाँ होंगी, जो बीमारियाँ होंगी, धीरे धीरे करके कुंदकेश्वर महादेव उसको दूर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। बात आई समझ में, बहुत ज़्यादा आसान सा ये उपाय था आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए, ठीक है। करिएगा इस उपाय को, जब आप कर चुके हैं इन उपाय को, तो महादेव से प्रार्थना जरूर करिएगा, महादेव हमारे घर का इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बीमारी है, आप इसकी बीमारी को ठीक कर दें, ठीक है। तो पहले उपाय की हमने यहाँ पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा लाल चंदन को करने का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, सबसे पहले आप वो समझ लो। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं जो हस्बैंड और वाइफ ना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर जिस भी माता पिता के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या फिर हस्बैंड वाइफ में क्लेश मचा हुआ है उनके लिए उपाय है, या फिर जिस भी मतलब पेरेंट्स के माता पिता के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, तो भी इन उपाय को करना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन दिख रहा है, लाल चंदन का इस तरीके से पाउडर लेना और थोड़ा सा इसमें पानी डाल करके अपने हाथों पे लेके अच्छे से रगड़ लेना 10 से 20 सेकंड तक, ठीक है। चंदन तैयार हो गया, चंदन के साथ ही आपको लेना होगा इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र, जो कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितनी बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र। अब देखो इस एक बेलपत्र के साथ ही साथ हमें लेना होगा मूंग का मात्र एक दाना, बहुत नहीं, मात्र एक दाना लेना होगा मूंग का। इन तीनों चीज़ों को, सबसे पहले जो आपने लाल चंदन लिया है, उस लाल चंदन का लेपन अच्छे तरीके से इन तीनों पत्तियों पे करेंगे, एक पत्ती पे नहीं करेंगे, इन तीनों पत्तियों पे अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करेंगे, ठीक है। लेपन कर लिया, लेपन करने के बाद इस जो करने के बाद ये जो स्पेस है माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पे, वहाँ पर आपको उस
एक बेलपत्र को बिल्कुल उल्टा रखना है। उल्टा रखने का क्या मतलब है कि जो जिस तरफ आपने लाल चंदन लगा रखा है वो भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए, और जो डंडी का भाग है वो होगा बाहर की तरफ जिस तरफ जलाधारी है, और पत्ती का भाग होगा महादेव की तरफ। ठीक है, इतना समर्पित कर दिया। इतना समर्पित करने के बाद जो एक मूंग का दाना है ना, उस एक मूंग के दाने को अपनी कामना कहते हुए, अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो उस लड़ाई की कामना से कि हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे, कुछ इस तरीके से कामना करके उस एक मूंग के दाने को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। और अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो यह कामना करते हुए कि हमारे बच्चों की बहुत जल्दी शादी हो जाए, अच्छी सी बहू आए या फिर अच्छा सा कोई हमें दामाद मिले, कुछ इस तरीके से प्रार्थना करके एक जो मूंग का दाना है इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित करने के बाद यहाँ पर खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, बात आई कि समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय भी माता अशोक सुंदरी का उपाय है। क्या फ़ायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इस उपाय को करने से आपको बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। तो उसका एक ही फायदा है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, विशेष हैं जो काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को आप करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन, दिख रहा है ना, आपको क्या करना है इसी तरीके से लाल चंदन लेना, पाउडर के फॉर्म में हो पाउडर के फॉर्म में ले लो, या फिर आपके पास लकड़ी हो तो उसको भी आप घिस सकते हो। ठीक है, लाल चंदन ले लिया। ओहो, साथ ही साथ आपको लेना होगा घी, यहाँ मैंने गलती से शहद लगा दिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको शहद नहीं, आपको लेना होगा गौ माता की दूध से निर्मित यानी कि बनी हुई घी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो क्या करेंगे, आपको एक बहुत ही प्यारी सी लेनी होगी बेलपत्र। मैं बेलपत्र भी लगाना भूल गया, आज क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो मैं यहां बेलपत्र बना ले रहा हूं, ठीक है, एक मिनट, ऐसे तो होता है बेलपत्र, है ना। ठीक है, बन गया। अब देखो जो आपके पास लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन को नीचे बेलपत्र की नीचे की जो पत्ती होती है उस पर अच्छे तरीके से लगा लेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, नीचे की दोनों पत्तियों पे लाल चंदन लग गया, और ऊपर की जो पत्ती है इस पर जो आपने देसी घी लिया है गौ माता के दूध से बनी हुई उसको लगाएंगे। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपका भी बेलपत्र कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। कर लिया, उसके बाद इस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग पे यहाँ पे समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, वो भी उल्टा चढ़ाने का क्या मतलब है कि जिस तरफ आपने घी और लाल चंदन लगाया है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, छुआना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से करना, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती का भाग होगा महादेव की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से समर्पित करना। समर्पित जब आप करेंगे तो आपको अपने विश अपनी मनोकामना माता अशोक सुंदरी से कहनी है। अब आपको यहां पर अपनी मनोकामना महादेव से नहीं कहनी है, आपको किससे कहनी होगी, माता अशोक सुंदरी से। क्यों कहोगे, क्योंकि भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री कौन है, माता अशोक सुंदरी। और जब आप इनसे कोई बात कहोगे तो ये क्या करेंगे, ये फिर जाएंगी भोलेनाथ के पास और अपने पिता से प्रार्थना करेंगी, पिताजी ये व्यक्ति आया था, बहुत प्रार्थना करके गया है, इसकी ये विश है बहुत दिनों से अधूरी है, आप सुन नहीं रहे हैं, तो अब आपको इसकी कामना को पूरी करनी है। और किसी भी घर की जब छोटी पुत्री अपने पिता से कोई बात कहेगी तो उसके पिता ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी बात ना माने। ठीक है, तो इस उपाय को करिएगा अपने विशेष अपनी मनोकामना को पूरी करने की। ठीक है, बात आई क्या समझ में? तो तीन उपाय की हमने यहां पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय, और ये उपाय भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही करना है। अब देखो इसके फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इसके फायदे भी हैं आपको मनोकामना पूर्ति के लिए। और ये उपाय जब भी सोमवार का दिन आता है ना तो ये उपाय मैं ज़रूर बताता हूँ। आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र जो कि कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो एक बेलपत्र ले लेना। अब इस एक बेलपत्र को लेकर के साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा जिसमें जल भरना आप अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया। अब देखो क्या करेंगे, आप अपने दाहिने हाथ में राइट हैंड में क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे एक बेलपत्र। ठीक है, और उस एक बेलपत्र के ऊपर आपको रखना होगा एक जो तांबे के लोटे में आपने जल लिया है उसको। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद आपको अपने घर पर ही चप्पल को निकाल देना है, सुबह करना चाहे सुबह करें, शाम को करना चाहे शाम को करें, चप्पल यानी कि स्लीपर आप नहीं पहनेंगे, और वैसे ही नंगे पैर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। देखो शिवलिंग के पास जाने से पहले आप चाहें तो आप अपने पूरे घर में एक बार चक्कर लगा सकते हैं, घूम सकते हैं उस कलश को लेकर महादेव के शिव
शिवलिंग के पास पहुंचना, ठीक है। पहुंचने के बाद जो आपके हाथ में कलश है ना, उस कलश को अपने बाएं हाथ में यानी कि अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना, और जो एक बेलपत्र आपके दाहिने हाथ में है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद जो एक लोटा जल है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, वह मनोकामना कहते हुए, स्मरण करते हुए, और आपको जल समर्पित कर देना है। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ इसी बेलपत्र से नीचे गिरेगा। आपको अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में उस जल को लेना है और अपने विश, अपनी मनोकामना कहते हुए दोनों आंखों पे लगा लेना है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, ठीक है। देखो, अगर इस उपाय को हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में कर रहे हैं तो आपको कौन सा मंत्र बोलना होगा? ओम नमः शिवाय, वहीं पर महादेव की चौखट पे बैठ करके ओम नमः शिवाय। अगर कोई भी सिर्फ स्त्री यानी कि कोई भी लड़की, कोई भी लेडी, कोई भी स्त्री इस उपाय को कर रही है तो आपको सिर्फ बोलना होगा नमः शिवाय, आपको ओम नहीं बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है? नमः शिवाय। अगर कोई पुरुष इस उपाय को कर रहा है, लड़का कर रहा है, तो आपको क्या बोलना है? ओम नमः शिवाय। 2 मिनट तक बैठ करके बोल लेना, फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। जो भी विश होगी, जो भी मनोकामना होगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है। कोशिश की मैंने इन सभी उपाय को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छा समझाया। अगर इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए परेशान ना हो, नीचे कॉमेंट में पूछें। जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।